नमस्कार, मैं हूं अमृत आनंद और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मिशन ब्राजील में। जी हां, मिशन ब्राजील की बात की जाए तो सभी टीमों का मिशन लगभग अब पूरा होता नजर आ रहा है। ग्रुप ऑफ डेथ कहे जाने वाले ग्रुप डी में उरुग्वे ने इंग्लैंड को 2-1 से हरा कर दो हार के बाद इंग्लैंड की टीम अंक गणित के आधार पर फिलहाल बाहर नहीं हुई है। उसके 1% चांसेस बने हुए हैं, लेकिन फिर भी उरुग्वे ने 2-1 से मुकाबला हराया है इंग्लैंड को। उरुग्वे की ओर से स्टार खिलाड़ी लुइस सुआरेस ने 2 गोल किए। चोट की वजह से सुआरेस पिछला मुकाबला नहीं खेल सके थे और उनका यह पहला मुकाबला था। खास बात यह है कि सुआरेस इंग्लिश प्रीमियर लीग की लिवरपूल की टीम की ओर से खेलते हैं और इंग्लैंड के कई खिलाड़ी इस क्लब के उनके साथी भी हैं। इंग्लैंड की तरफ से वेन रूनी ने इकलौता गोल किया। रूनी का वर्ल्ड कप में भी ये पहला गोल है, तो शानदार प्रदर्शन कहा जाए यहां पर उरुग्वे का। 2-1 से मुकाबला उन्होंने जीता है। सुआरेस की बात की जाए, शानदार खेल दिखाया। पहला मुकाबला खेल रहे थे वर्ल्ड कप में और पहले मुकाबले में उन्होंने 2 गोल दागे। पहला हेडर लिया और फिर निर्णायक गोल कर टीम की जीत को पक्की कर दी और इंग्लैंड की तरफ से वेन रूनी ने गोल दागा। उनका इस वर्ल्ड कप में यह पहला गोल है और इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान में जुड़ चुके हैं, नोवी कपाड़िया और शब्बीर अली। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन इस मुकाबले की मैं बात करूं तो यहां पर एक खास और बात निकलकर सामने आ रही है कि उरुग्वे की ओर से इंग्लैंड के बीच मुकाबले में हीरो रहे जीत के उरुग्वे के लुइस सुआरेस। नोवी और शब्बीर, जैसा हम बात कर रहे थे सुआरेस आएंगे तो ये होगा वो होगा, वाकई आए और कह ढा दिया उन्होंने, प्रूफ कर दिए कल। और क्रेडिट जितनी क्रेडिट दिए कम है, 2 शॉट लिए, 2 ही गोल हो गए, एक हेड से मारे और एक दूसरा। इंग्लैंड टीम अच्छा खेली मगर इसमें ये शक नहीं है कि मैंने सुआरेस अच्छा नहीं खेले, मैंने मैन ऑफ द मैच जो करेक्ट दिए और उनकी वजह से ही उरुग्वे ने मैच जीता। और कोई सोचे नहीं थे कि सुआरेस 85 मिनट तक जैसा खेले और पूरा गेम का नक्शा बदल दिया। नोवी, एक एनर्जी की लेवल की हम बात करते हैं, एक प्लेयर आता है मैदान पर पहले मिनट से लेकर 90 मिनट तक जो एनर्जी लेवल होता है, सुआरेस में खासियत जो देखने में नजर आई, एक एनर्जी लेवल पर खेलते चले गए, कहीं ऊपर नीचे नहीं किया उन्होंने। हाँ, जो मौके मिले उन्होंने पूरे फायदे उठाए। खैर, मैच बहुत शानदार था और सुआरेस के बिना जो उरुग्वे ने कल जोश दिखाया, जो हमेशा याद रहेगा, जो अल्वारो परेरा उनके लेफ्ट बैक, वो एक्सीडेंटली उनको सिर पे लगा रहीम स्टर्लिंग का घुटना, डॉक्टर कह रहा है कंकशन हो सकता है लेकिन वो चिल्ला रहा है कि नहीं मैं फिट हूं खेलने, यही फर्क था। वो जोश ज्यादा था, टीम स्पिरिट इतना ज्यादा था उरुग्वे में कि वो करो या मरो करके इंग्लैंड को रोका। इंग्लैंड भी बहुत अच्छा खेलेगा, वेन रूनी का सबसे अच्छा मैच है विश्व कप में, गोल भी किया और बहुत लाजवाब उन्होंने भी, ये तो बहुत जबरदस्त मैच था। नवी हेड जो मिस हुआ उनका पोल पे लग के, बहुत अनलकी थे। और सुआरेस के गोल की तारीफ, लेकिन दोनों डिफेंसिव मिस्टेक्स भी थे इंग्लैंड के। चलिए, दोनों डिफेंसिव मिस्टेक का यहाँ पर साफ तौर पर कहा जा सकता है। भाई, नजर डालते हैं ग्रुप ऑफ डेथ के यानी ग्रुप डी के पॉइंट्स टेबल पर। पॉइंट्स टेबल में टीमों की पोजीशन क्या है। कोस्टारिका की बात की जाए, एक मुकाबला खेली है, 3 पॉइंट उसके पास है। इटली ने एक मुकाबला खेला है, जीत हासिल की है, 3 पॉइंट उसके पास है। यहां उरुग्वे ने 2 मैच खेल लिए हैं, 3 पॉइंट उसके पास है। इंग्लैंड ने 2 मैच खेले हैं और उसके पास कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी इंग्लैंड बना हुआ है। आगे क्या हो सकता है, ये सबसे बड़ी बात है। तो ग्रुप ऑफ डेथ की बात करें यानी ग्रुप डी की बात करें तो उरुग्वे ने इंग्लैंड को 2-1 से हरा दिया है। 2 हार के बावजूद इंग्लैंड की टीम गणित के आधार पर बाहर नहीं हुई है। उरुग्वे की ओर से स्टार खिलाड़ी लुइस सुआरेस ने 2 गोल किए। खास बात यह है कि सुआरेस इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल की ओर से खेलते हैं और इंग्लैंड के कई खिलाड़ी उसी क्लब से उनके साथी भी हैं। फीफा वर्ल्ड कप में 1966 के बाद पहली बार उरुग्वे और इंग्लैंड की टीम एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरी तो दबाव दोनों टीमों पर था। टूर्नामेंट के सबसे मुश्किल ग्रुप डी में दोनों ही टीमें पिछला मुकाबला हार चुकी थी और उन्हें जीत ही नया जीवनदान दे सकती थी। इस मुकाबले से पहले नया मोड़ तब आया जब उरुग्वे की ओर से स्टार खिलाड़ी सुआरेस के खेलने की खबर आई। चोट की वजह से सुआरेस पिछला मैच नहीं खेले थे और ये उनका इस वर्ल्ड कप का पहला मैच था। 90 मिनट का ये मुकाबला आखिरकार सुआरेस बनाम इंग्लैंड ही नजर आया। मैच का पहला गोल सुआरेस ने ही दागा। खेल के 39वें मिनट में कवानी के क्रॉस पर हेडर के जरिए गोल कर सुआरेस ने उरुग्वे को 1-0 की बढ़त दिला दी। हाफ टाइम तक उरुग्वे ने इस बढ़त को बरकरार रखा, लेकिन दूसरे हाफ में दोनों ही टीमों ने हमले और तेज कर दिए। आखिरकार इंग्लैंड को स्कोर बराबर करने में कामयाबी मिली। स्टार खिलाड़ी वेन रूनी ने ब्राजील में अपना खाता खोलते हुए टीम को बराबरी पर ला दिया। 75वें मिनट में हुए इस गोल के बाद जब मैच ड्रॉ की ओर बढ़ रहा था, तभी वो हुआ जिसका शायद इंग्लैंड को पहले से ही अंदेशा था।
लुइस सुआरेज एक बार फिर इंग्लैंड पर भारी पड़े और मैच का दूसरा गोल दाग दिया। 85वें मिनट में सुआरेज का दूसरा गोल मैच का निर्णायक गोल साबित हुआ। दरअसल इंग्लैंड के ज्यादातर खिलाड़ी सुआरेज की प्रतिभा से अच्छी तरह वाकिफ हैं। कप्तान जेरार्ड तो इंग्लिश प्रीमियर लीग में सुआरेज के साथ लिवरपूल में खेलते हैं। मैच से पहले भी जेरार्ड ने सुआरेज को चुनौती बताया था और आखिरकार इंग्लैंड की टीम इस स्टार खिलाड़ी से पार नहीं पा सकी। पुनीत शुक्ला, दिल्ली, IBN 7। जी हाँ, मुकाबले की बात की जाए तो सुआरेज का जलवा पूरे मैदान पर रहा। नवी, मैं दोनों गोल जानना चाहूंगा कि दोनों गोल कैसे हुए और किस तरह से मूवमेंट बनाया सुआरेज ने। इंग्लैंड का लक्ष्य खेली मगर उरुग्वे की तारीफ करना चाहिए, वो लोग को चांस नहीं दिया और वो लोग को जितने बॉल मिले वो यूटिलाइज किए। खासकर जो फर्स्ट बॉल की मैं तारीफ करूंगा, यहां से बॉल मिला, ये सोरेस थे। इन्होंने इनको पास दिया, बॉल लेके गए यहां। सोरेस यहां जा रहे थे, सब इनके साथ थे और एक ताजुब है जब ये बॉल विंग पे रहता है जी, तो मालूम है सोरेस मेन प्लेयर है। सरप्राइजिंग कोई इंग्लैंड के खिलाड़ी नहीं दिए। और यहाँ जी बोलते ना कि हर वक्त हर जगह पे रहना, यहाँ दो डिफेंडर ऐसा इनको ये लग रहा था कि सोरेस इधर चले आएंगे, जाते जाते एकदम अपना जगह चेंज करके यहाँ चले गए और केविनी ने लेके जाके बहुत अच्छा क्रॉस दिया। बेंस भी यहाँ नहीं आए, कैहिल नहीं लिए, जैगिल कोई इनको नहीं लिया, तीन चार इधर इंग्लैंड के प्लेयर थे मगर कोई नहीं लिए और अच्छी खूबसूरती से इन्होंने हेट करके अपनी टीम को बरत दिला दी। दूसरे गोल की बात करूं तो मैं, दूसरा गोल देखिए, ठीक है जेरार्ड से यहाँ मिस्टेक हुई मगर जब ये प्लेयर यहाँ ठहरा हुआ है, ये स्टॉपर की ड्यूटी है कि एक प्लेयर मैन मार्किंग करे, दूसरा प्लेयर फ्री है। यहाँ से बॉल फ्लिक हुआ जी, इन्होंने नहीं लिया, कोई नहीं लिया, ये फ्री बॉल इनको मिल गया। ये ड्यूटी एक लेफ्ट स्टॉपर काहिल के लेने के लिए, इनू पीछे इधर से बेंस भी नहीं आए, तो ये दोनों ने पैरेलल ठहरे और बीच में से सोरेस ने निकल गया, इधर से बॉल निकल के जाके जाल में अच्छे से गोल कर दिया। और आखिरी में रोनी को क्रेडिट देना चाहिए कि माने जो दो बॉल मिले और पूरा गेम का माने नक्शा चेंज कर दिया और डिफेंस की कमजोरी साफ तौर पर नजर आई इंग्लैंड की। रूनी की बात करना चाहूंगा, एक गोल उन्होंने दागा, किस तरह से मूवमेंट बनाया उन्होंने। देखिए रूनी की बहुत चर्चा हो रही थी कि खेल सकेंगे नहीं, हॉटसन ने उनको करेक्ट पोजीशन पे यहाँ खिलाया, यहाँ से जॉनसन ने क्रॉस किया और वेन रूनी ने यहाँ गोल कर दिया। डिफेंडर बॉल मिस किए जी, अच्छे से बीच में से आके, और ये गोल के अलावा कल जो फ्री किक लिए दूसरा, एक बदकिस्मती इन्होंने हेड लिया और कल रूनी ने प्रूफ कर दिया कि हाँ वो भी एक बहुत अच्छे खिलाड़ी है। जी बिल्कुल, रूनी ने इस बात को प्रूफ किया कि बहुत अच्छा खिलाड़ी है। हालांकि मुकाबला जरूर इंग्लैंड हार गई है उरुग्वे से 2-1 से, लेकिन यहां तारीफ करनी होगी। लेकिन चलिए अब वक्त है फिलहाल यहां आपको दिखाने का, इंग्लैंड में हार तो हो गई है लेकिन खिलाड़ी मायूस नहीं है, जोश है उनके अंदर, देखते हैं कुछ झलकियां। Precious goal for England and their World Cup hopes. Decent cross, it'll come for Rooney! Saved by Mazur! And Rooney from almost under the bar, heads it against the bar. Strong at Sao Paulo. What he's trying to do here, just bend it into the far corner. And his touch was too strong. Mazur equal to it. वहीं फुटबॉल वर्ल्ड कप में कल खेले गए मैच में कोलंबिया ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही कोलंबिया नॉकआउट में पहुंचने वाली तीसरी टीम बन गई है। ग्रुप सी में इस मैच में पहले हाफ में दोनों टीमों ने गोल करने में काफी कोशिशें की लेकिन किसी भी टीम की तरफ से कोई गोल नहीं हो पाया। मैच के दूसरे हाफ में कोलंबिया ने जेम्स ने 64वें मिनट में गोल कर टीम को बढ़त दिला दी। मैच के 17वें मिनट में केवेंट्रो ने गोल कर कोलंबिया की बढ़त को दोगुना कर दिया और इस गोल के 3 मिनट बाद आइवरी कोस्ट ने गोल का दाग कर कोलंबिया की बढ़त को कम करने की कोशिश की लेकिन इसके बाद मैच में कोई भी और गोल नहीं हो सका। कोलंबिया 2-1 से मुकाबला जीत गई। वहीं आइवरी कोस्ट की बात करें, आइवरी कोस्ट की बात करें तो आइवरी कोस्ट के खिलाफ टीम जीत के अहम भूमिका निभाने वाले जेम्स को मैन ऑफ द मैच चुना गया है। जेम्स को इस वर्ल्ड कप में लगातार दूसरी बार मैन ऑफ द मैच चुना गया।
वहीं फुटबॉल वर्ल्ड कप में ग्रुप सी के एक अहम मुकाबले में जापान और ग्रीस ने गोल रहित ड्रॉ खेला है। इस मैच के ड्रॉ हो जाने पर कोलंबिया का नॉकआउट स्थान में पक्का हो गया है। वहीं दोनों टीमों की बात की जाए तो दोनों टीमों ने कोशिशें इस मैच में पूरी की, लेकिन कोई भी टीम खाता नहीं खोल सके। लेकिन इस मैच पर कोलंबिया की भी निगाहें थी। जापान और ग्रीस दोनों ही टीमों ने एक दूसरे पर गोल करने में की काफी कोशिशें की, लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकाम रही और दोनों टीमों को एक एक अंक मिला। बिना किसी गोल के समाप्त हुए इस मैच में जापान के होंडा को मैन ऑफ द मैच चुना गया। तो नेटवर्क 18 की टीम ब्राजील के सल्वाडोर में पहुंच चुकी है। वहां पे मेरे सहयोगी प्रदीप्तो ने बात की है कुछ जर्मन फैंस से और जानी है उनकी राय इस वर्ल्ड कप के बारे में। इस समय हमारे साथ है कुछ जर्मन सपोर्टर्स, उनसे बात करते हैं। सो यू गाइज आर फ्रॉम जर्मनी एंड इन सल्वाडोर दे मस्ट बी डिसअपॉइंटेड विद ब्राजील गेटिंग स्टक टू मेक्सिको इन अ गोललेस ड्रॉ। वेल आई हैव टू से इट वाज अ रियली शिटी मैच फ्रॉम ब्राजील। And also in the first game, you could see without the penalty, it was not a really satisfying performance for Brazil. But they will make it to the next round, I'm pretty sure. And in the end, I think that Germany will meet Brazil in the semi-final. You must be very satisfied with Germany's first match performance against Portugal. Yes, because Germany was very strong and they showed no sign of letting up on Portugal. Portugal never had a chance. And Croatia in the first game, they had chances and they had luck with the referee. Brazil had luck with the referee. So I think so far the strongest teams in the tournament have been the Netherlands and Germany. And if Germany can keep this up, we can win the World Cup. Like he said, we will meet Brazil probably in the semifinal. And two of your friends are predicting that it's got to be a Brazil versus Germany semifinal. Do you agree? Yeah. Why? Yeah, because I think it's going on to be like this, that they will win everything in the group stage and they will win everything in the rest of the tournament, and so we already checked it on the computer that it's going to be the semi-final. जैसा कि आप देख सकते हैं कि ब्राजीलियन फैंस भले चाहे कितनी भी मायूस हो, लेकिन जर्मन सपोर्टर्स, आप वहां सोच सकते हैं कि जर्मन सपोर्टर्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ब्राजील और जर्मनी का इस बार वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल हो सकता है और वो बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं कि बाजी जर्मनी मार जाएगा। क्या होता है आगे चल के वो तो हम जरूर देखेंगे। हम नजर बनाए हुए हैं और आप भी हमारी तरफ नजर बनाए रखिए। फिलहाल सल्वाडोर से कैमरामैन हिमाद्री शंकर दास के साथ मैं प्रदीप्त गोस्वामी। वहीं फुटबॉल वर्ल्ड कप में आज के तीन मुकाबले खेले जाएंगे। रात 9:30 होने वाले मुकाबले की बात करें तो ग्रुप डी में 3-3 अंक हासिल कर चुकी इटली और कोस्टारिका के बीच यह मुकाबला खेला जाएगा। वहीं दूसरे मुकाबले की बात की जाए तो रात 12:30 जो मुकाबला खेला जाने वाला है वो मुकाबला है फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच। और तीसरे मुकाबले की बात की जाए जो रात 3:30 खेला जाएगा वो मुकाबला होने वाला है होंडुरस और इक्वाडोर के बीच। और अब बात फुटबॉल के फंडा की। आपको बता दें कि लुइस सुआरेस ने वर्ल्ड कप में जिस मैच में भी गोल किया है उसमें उरुग्वे को जीत मिली है। इंग्लैंड के खिलाफ आज के मुकाबले में सुआरेस ने 2 गोल किया और इस गोल के साथ ही सुआरेस का ये रिकॉर्ड बरकरार है। फिलहाल यहां वक्त छोटे से ब्रेक है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। शबीर और नवीद, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल लेंगे यहां छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। फुटबॉल और ग्लैमर का नाता बेहद गहरा है, यह भी कह सकते हैं कि सफलता और ग्लैमर साथ साथ चलते हैं। आइए दिखाते हैं कि कैसे मैदान से बटोरी गई शोहरत मैदान के बाहर खूबसूरती को आकर्षित करने के काम आती है। वर्ल्ड कप में स्टार फुटबॉलर की चर्चा तो हर तरफ हो रही है, लेकिन जैसे कहते हैं कि हर कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, ठीक वैसे ही
हर सफल फुटबॉलर के पीछे भी एक खूबसूरत महिला खड़ी है। शुरुआत करते हैं सबसे कमाऊ फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो से। अट्ठाईस साल की इरीना श्राय मॉडलिंग करती हैं और 2010 में एक विज्ञापन की शूटिंग के दौरान रोनाल्डो से उनकी मुलाकात हुई थी। इंग्लैंड के मिडफील्डर फ्रैंक लैम्पार्ड के मैदान से बाहर चर्चे में बने रहने की एक वजह उनके पार्टनर क्रिस्टीन ब्लिकले है। 35 साल की क्रिस्टीन टीवी प्रेजेंटर है और साल 2009 में एक अवार्ड समारोह के दौरान लैम्पार्ड से मिली थी। स्पेन के इकर कैसियास के पार्टनर सारा कार्बोनेरो भी बला की खूबसूरत है। इस जोड़ी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि दोनों ही किसी न किसी रूप में खेल से जुड़े हुए हैं। 30 साल की खेल पत्रकार सारा से इकर कैसियस की मुलाकात साल 2009 में कंफेडरेशन कप के दौरान अमेरिका में हुई थी। स्पेन के जेरार्ड पिक जितना अपने खेल के लिए पहचाने जाते हैं उससे भी थोड़ी ज्यादा शोहरत उन्हें हाई प्रोफाइल गर्लफ्रेंड की वजह से मिलती है। पिछले वर्ल्ड कप का थीम सॉन्ग और उसमें पॉप स्टार शकीरा का डांस भला कौन भूल सकता है। साल की पॉप स्टार शकीरा से पिक की मुलाकात साल 2010 में वर्ल्ड कप के म्यूजिक वीडियो शूट के दौरान हुई थी। इंग्लैंड के स्ट्राइकर वेन रूनी की डिजाइनर पत्नी उनकी स्कूल के समय के दोस्त हैं। इनकी जोड़ी फुटबॉल के स्टार्स की लिस्ट में सबसे पुरानी या कहें कि सबसे मजबूत है। 28 साल की कॉलिन रूनी पेशे से डिजाइनर है। वेन से इनकी मुलाकात 12 साल की उम्र में हुई थी जिसके बाद इन्होंने ताउम्र साथ रहने का फैसला किया। आखिर में इंग्लैंड की इस मशहूर जोड़ी से तो रूबरू कराने की जरूरत नहीं होगी। डेविड और विक्टोरिया बेकहम की सबसे ज्यादा चर्चा तो एक दूसरे की वजह से ही होती है। पीयूष तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आईबीएन 7। तो शायद आपको मालूम चल गया होगा कि स्टार खिलाड़ियों की सफलता का राज क्या है। अब नजर डालते हैं कि पॉइंट्स टेबल वर्ल्ड कप में जो टीमें खेल रही हैं उनके पॉइंट्स टेबल की स्थिति क्या है। ग्रुप ए की बात करें तो ब्राजील 4 पॉइंट के साथ है, मेक्सिको 4 पॉइंट के साथ है, क्रोएशिया 3 पॉइंट के साथ है और अब जो टीम यहां मुकाबला एक जीतेगी वो सीधा क्वालिफाई करेगी टॉप 16 के लिए। ग्रुप बी की बात की जाए जिसे ग्रुप ऑफ डेथ भी कहा जाता है, नीदरलैंड की टीमें 6 पॉइंट के साथ क्वालिफाई कर चुकी हैं, चिली क्वालिफाई कर चुकी है और ऑस्ट्रेलिया स्पेन का यहां काम तमाम हो चुका है। और अब बात करें ग्रुप ई की तो फ्रांस 3 अंक के साथ बना हुआ है, स्विट्जरलैंड 3 पॉइंट उनके पास है, इक्वाडोर और होंडुरस आज ये टीमें मुकाबला खेलने वाली हैं। देखना होगा कि ये टीमें क्या करिश्मा कर दिखाती हैं। ग्रुप एफ की बात की जाए अर्जेंटीना 3 पॉइंट के साथ है, ईरान 1 पॉइंट, नाइजीरिया का मुकाबला ड्रॉ रहा था ईरान के साथ, 1-1 अंक दोनों ने बांटे हैं। यहां पर देखना होगा कि बोस्निया क्या करिश्मा कर दिखा पाती है, पहली बार वर्ल्ड कप में खेल रही है टीम। जर्मनी, अमेरिका, घाना, पुर्तगाल, जर्मनी की बात की जाए 3 अंक इनके पास है, अमेरिका के पास 3 अंक है लेकिन पुर्तगाल और घाना एक भी मुकाबला अभी तक नहीं जीत पाए हैं। ग्रुप एच की बात करो बेल्जियम, कोरिया, रूस और अल्जीरिया, यहां पर बेल्जियम के पास 3 अंक है, कोरिया रूस का मुकाबला ड्रॉ रहा था और 1-1 अंक बांटने पड़े थे लेकिन यहां देखना होगा कि ये टीमें क्या करिश्मा कर दिखा पाती हैं, इनके पास अभी भी कुछ चांसेस बचे हुए हैं। और एक बार जाते जाते फिर से आपको बताते हैं कि आज वर्ल्ड कप में 3 मुकाबले खेले जाने वाले हैं। पहला मुकाबला होना है रात 9:30 बजे इटली और कोस्टारिका के बीच खेला जाएगा। वहीं 12:30 बजे मुकाबले की अगर बात की जाए तो यह मुकाबला खेला जाने वाला है फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच। रात 3:30 बजे मुकाबले की अगर बात मैं करूं तो यह मुकाबला होने वाला है होंडुरस और इक्वाडोर के बीच। और इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।